हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल हम कैसे निकालते हैं ये हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ नंबर्स जो है हमारे फ्रैक्शंस नंबर्स अगर दिए रहते हैं उसको हम डेसिमल में कैसे निकालते हैं ये आज हम आपको बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल में इसको निकालना है, डेसिमल में लिखना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन से हम डेसिमल में निकालेंगे कैसे ये ध्यान दीजिए। इसके निकालने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके आप लोगों को बता दे रहे हैं, दोनों तरीके से आप जैसा लगे वैसा आप निकालिएगा। यहाँ देखिए, अगर दिया हुआ है तो इसको हम सिंपल तरीके में निकाल सकते हैं। उससे पहले हम इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम सिंपल तरीके में बताते हैं सॉल्व हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ 8 प्लस 9 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, हम चाहे तो इसके नीचे 1 लिख कर इन तीनों नंबरों का हम एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम निकाल कर हम इसको 100 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो सबसे लंबा नंबर यानी 100 जो है ये हमारे 10 से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, इसलिए हम एलसीएम ना निकाल के हम डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 से हम 100 को काटेंगे तो 100 बार में ही कटेगा, 100 टाइम्स में कटेगा। उससे हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ करके देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 100 इंटू 8 प्लस, यहाँ हम 9 को उतार लेंगे, 9 इंटू 10 से अगर हम इसको काटते हैं तो 10 टाइम्स 10 बार में कटेगा, 10 लिख लेंगे, प्लस 5 इंटू 100 से 100 को काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, ठीक है। सिंपल सा है, इसको सॉल्व कीजिए। 100 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 800 प्लस 9 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे ये हो जाएगा 90 प्लस 5 पूरे का अपान कर लेंगे 100। इसको हम जोड़ लें, 800, 90 और 5 तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 895 अपॉन 100। अब देखिए, ये तो हमारा सॉल्व करने वाला से आ गया है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, डेसिमल। किसमें इसको चेंज करेंगे, डेसिमल्स। अब डेसिमल्स में चेंज करने के लिए ध्यान दीजिए, हम नीचे का जो डिनोमिनेटर नंबर आता है उसको हम ध्यान देते हैं। अगर हमारा 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी जीरो से संबंधित जो भी नंबर्स हैं तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा देख लेंगे इसमें हमारा कितना जीरो है। 2 जीरो है, 1 2 दो नंबर के लिए 2 जीरो है। इसमें ऊपर जो न्यूमरेटर नंबर होता है ये राइट साइड से हम इसको 2 नंबर काउंट कर लेते हैं। 2 नंबर काउंट कीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 यानी 1 2, 2 नंबर राइट साइड से काउंट करेंगे 1 2, यहाँ आ रहा है, यहाँ हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 8 और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 95। यार ये यानी हम इसको चेंज किए तो हमारा डेसिमल में कितना हो गया, 8.95। अब इसको सिंपल तरीके में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है 8 प्लस 9 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 100। ये देखिए बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटे से एक शब्द में समझ लीजिए। यहाँ देखिए 8 प्लस है, 8 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8, ठीक है। ये हमारा टेंथ फ्रैक्शन में है, ये 100 फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ टेंथ है तो एक नंबर के बाद जीरो होगा, तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं यानी डेसिमल लगा सकते हैं। यहाँ 9 एक नंबर पर है तो इसको हम 9 लिख लेंगे, इसमें 2 जीरो है यानी 2 नंबर बाद होगा, एक नंबर ये ऑलरेडी हो ही जा रहा है, दूसरा नंबर 5 है, यहाँ हम 5 लिख लेंगे। यहाँ 2 नंबर के बाद से तो देखिए, 2 नंबर के बाद से करेंगे इसको, हम करते हैं कि हमारा हो जाएगा 05, 2 नंबर ही होता है क्योंकि 2 जीरो है, ये 05 हो जाएगा। इसको अगर करते हैं तो हमारा 0.9 होगा एक नंबर के बाद, तो एक नंबर तो ए हो जा रहा है, सेकेंड नंबर ए हो जा रहा है, यानी 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8.95। इस पर रिलेटेड एक और क्वेश्चन